हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर ठोस अवस्था, जो कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। इसके मार्क्स तो 3 हैं। ये 3 नंबर का चैप्टर है। आरबीएसई एग्जाम जो होता है, बोर्ड का एग्जाम, उसमें इस चैप्टर के 3 अंक हैं। तो हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। देखो, इतना तो स्टूडेंट सभी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस अवस्था। जैसे मैं इस चैप की बात करूँ तो ये चौक जो है ये कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। अगर मैं पानी की बात करता, पानी लेके आता टंकी में से, तो ये पानी कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। और वायुमंडल की गैस में, गैस अवस्था में। तो ये चौक जो है ये ठोस अवस्था में है। एक बात पूछता हूँ, बताना कि जो ठोस अवस्था होती है इसमें जो अवयवी कण है, मतलब जिन कणों से ये ठोस अवस्था बनी हुई है, समझ गए होंगे, अणु, परमाणु या आयन, अवयवी कण का मतलब। जैसे ये चौक है, इसमें कुछ ना कुछ अवयवी कण होंगे ना, अणु होंगे, परमाणु होंगे या आयन होंगे। तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है इसमें उपस्थित जो अवयवी कण है, अर्थात अणु, परमाणु या आयन जो है, ये गतिशील होते हैं या नहीं होते हैं? तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि ठोस अवस्था जो होती है इसमें अवयवी कण गतिशील नहीं होते हैं, जबकि द्रव अवस्था और गैस अवस्था में अवयवी कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण गतिशील नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो इसमें अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। आकर्षण का बल समझ गए, जैसे आयनिक बंध, धात्विक बंध, वैन डर वाल बंध, ये आकर्षण के बल जो होते हैं ये अवयवी कणों को गति नहीं करने देते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है? तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उपस्थित अवयवी कण आकर्षण के बलों के कारण गतिशील नहीं होते हैं, वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेशन दे दी मैंने, ठोस अवस्था क्या है। पदार्थ की चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस अवस्था हो, उसमें 2 प्रकार के विरोधी बल होते हैं। विरोधी का मतलब समझ गए, जो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। तो पदार्थ की चाहे कोई भी अवस्था हो, ठोस, द्रव या गैस, उसमें जो अवयवी कण है उनके मध्य 2 प्रकार के बल होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक बल होता है पहला आकर्षण बल, आकर्षण बल तो होता ही है, अभी जिक्र कर रहा था मैं, आयनिक बंध, धात्विक बंध, ध्यान है, अवयवी कणों के मध्य एक तो आकर्षण बल होता है और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। लड़का कहता है कि यार ये क्या चक्कर है, आकर्षण बल तो ठीक है हम समझ गए, ये प्रतिकर्षण बल का क्या लफड़ा है? देखो एक बात बताओ, सोचना हर चीज को। इस समय अपना मान लो यहाँ का आसपास का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, वातावरण का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरे हाथ में ये चौक है, इसमें जो अवयवी कण है उनका टेम्परेचर भी 35 ही होगा। भाई चौक का टेम्परेचर भी तो 35 ही होगा, वातावरण का ताप 35 है तो चौक का ताप भी तो 35 होगा। तो इसमें जो अवयवी कण है इनका टेम्परेचर भी कितना होगा? 35 होगा, सही है। तो इसमें अवयवी कणों के पास कणों का ताप 35 है, ताप एक ऊर्जा ही तो है। तो अवयवी कणों के पास इस चौक में ऊर्जा है या नहीं है? है। ये ऊर्जा कहां से आई? वातावरण के ताप से आई। वातावरण ने इन अवयवी कणों का ताप 35 कर दिया तो वातावरण ने अवयवी कणों को ऊर्जा प्रदान की। वातावरण के ताप से अवयवी कणों को ऊर्जा मिली, ये ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा। और यह ऊर्जा अवयवी कणों को गतिशील बना करके दूर दूर ले जाती है। भाई सीधी सी बात है, इसके अवयवी कण गतिशील बनेंगे, दूर दूर भगेंगे। तो अपन कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा अवयवी कणों को दूर दूर ले जाती है तो वो किसका क्या उत्पन्न करती है? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। ऊष्मीय ऊर्जा समझ गए, वातावरण के ताप से किसी पदार्थ के अवयवी कणों को प्राप्त ऊर्जा। यह ऊर्जा अवयवी कणों को गतिशील बनाकर दूर दूर ले जाने का कार्य करती है और यह ऊर्जा कहलाती है ऊष्मीय ऊर्जा, और यह उत्पन्न करती है प्रतिकर्षण का बल। तो अवयवी कणों के मध्य 2 बल हो गए, एक आकर्षण का बल
आयनिक बंध वगैरह, और एक प्रतिकर्षण का बल जो उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। सोच के बताओ, हमको ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था में कौन ताकतवर होता है, आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल? आकर्षण का बल ताकतवर होता है, जबी तो अवयवी कण गतिशील नहीं होते, शुरू में कहा था। पर पदार्थ की द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में प्रतिकर्षण का बल ताकतवर होता है आकर्षण के बल से। इसलिए पदार्थ की द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। एक बात और बताओ, अगर मैं इस चौक को मान लो गर्म करूं तो ये पिघलेगी किसी ना किसी ताप पर। तो गर्म करने पर बताओ ऊष्मीय ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि या कमी? इसे मैं चौक को गर्म करूंगा तो ऊष्मीय ऊर्जा के मान में बच्चों वृद्धि होगी, क्योंकि गर्म करने पर मैं ताप दे रहा हूं, अवयवी कणों का ताप बढ़ेगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी। जब उसमें ऊर्जा बढ़ती जाएगी, प्रतिकर्षण का बल बढ़ता जाएगा, जब प्रतिकर्षण का बल आकर्षण के बल से अधिक हो जाएगा, अवयवी कण गति करने लग जाएंगे, ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था के सामान्य गुण, सामान्य लक्षण। अपना टॉपिक आया ठोस अवस्था के सामान्य गुण। बताओ ठोस अवस्था के सामान्य गुण बताओ। कुछ गुण तो जानते हैं हम सभी। पहला गुण, पदार्थ की ठोस अवस्था का, बेटों नोट्स बना लेना साथ के साथ, लॉकडाउन चल रहा है, क्लास नहीं लग पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जब आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो एक कॉपी बना करके उसमें नोट्स बनाना। तो पहला गुण ठोस अवस्था का कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार आयतन द्रव्यमान निश्चित होता है। ये तो जानते ही है ना, नहीं जानते, छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार, ये ठोस अवस्था में ये नहीं है पदार्थ, इसका आकार निश्चित है ना, बदल तो नहीं रहा, आयतन भी पाई आर स्क्वायर है, बेलनाकार है, द्रव्यमान वजन। तो पहला तो जानते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार आयतन द्रव्यमान निश्चित होता है। नंबर दो बताओ, और बताओ सोचो, क्या मैं लिख सकता हूं, अभी बताया था कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बल प्रतिकर्षण के बल से अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं। यही बताया था ना कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण का बल प्रतिकर्षण के बल से प्रभावी होता है। क्लियर? और बताओ, मैं कह सकता हूं पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसमें अवयवी कण, तुम जानते होंगे पास पास होते हैं, मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो न्यूनतम दूरी पर होते हैं। गलत तो नहीं है, न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी, मतलब एक दूसरे से स्पर्श किए हुए होते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो बेटा पदार्थ की ठोस अवस्था कठोर होगी, असंपीड होगी। खुद ही सोचो, जब अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर है तो क्या अवयवी कण एक दूसरे में अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या? असंपीड और कठोरी तो होगा, पदार्थ की ठोस अवस्था कठोर होगी, असंपीड होगी। और बताओ, हम कह सकते हैं कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसमें अवयवी कण गतिशील नहीं होते, ये जानते हो आप सभी, अवयवी कण गतिशील नहीं होते। परंतु एक बात याद रखना, अवयवी कण अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं, मतलब अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष हिल सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। अपन कहेंगे अवयवी कण गतिशील नहीं होते, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो नहीं जाते हैं ठोस अवस्था में, पर अपने स्थान पर क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। और बताओ, पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है, होता है नहीं होता?
पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व मैक्सिमम सर्वाधिक होता है। घनत्व का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? घनत्व बराबर पढ़ते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। मान लो मैं इस चौक को गर्म करूं, गर्म करने पर यह पिघल गई, वजन तो वही रहेगा पर क्या बढ़ जाएगा? आयतन। क्योंकि गर्म करने पर यह जब द्रवावस्था में जाएगी तो अभिकर्ण दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। तो ठोस अवस्था का ही तो घनत्व सर्वाधिक होगा, द्रव अवस्था का कम, गैस अवस्था का और भी कम। तो सबसे अधिक घनत्व कौन सी अवस्था का आता है? ठोस अवस्था का। यहां तक क्लियर? अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ठोस के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग, ठोस के प्रकार। सुनो बच्चों, ढंग से सुनना। जो ठोस होते हैं बेटा वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन नहीं सॉरी, ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस दो प्रकार के हैं, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, मतलब जिन कणों से ये मिलकर के बने हैं, वो कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। निश्चित मतलब एक के बगल में एक कण ढंग से व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, और ये व्यवस्था नियमित होती है, लगातार होती है। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, एक के बगल में एक, नियमित व्यवस्था, लगातार यह व्यवस्था मिलती है। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस हैं जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। अवयवी कण ऊट पटांग व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो ठोसों का वर्गीकरण किया है ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर किया है। जिस ठोस में अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था है वे ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, और जिसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं है वह है अक्रिस्टलीय ठोस। सही है, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें अवयवी कणों की ये व्यवस्था जो है निश्चित और नियमित, ये दीर्घ पराशी होती है। दीर्घ पराशी का मतलब ये व्यवस्था एक बड़े क्षेत्र में मिलती है, पूरे की पूरे ठोस में मिलती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में होती नहीं है अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, पर कहीं कहीं मिल सकती है, कहीं कहीं अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हो सकते हैं, तो एक छोटे से क्षेत्र में होंगे। अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं होते पर छोटे छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं। तो अपन ऐसे कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, पर यह व्यवस्था दीर्घ पराशी होती है, बड़े क्षेत्र में होती है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अगर कहीं होती भी है तो वो लघु पराशी होती है, अर्थात छोटे से क्षेत्र में होती है। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण, थोड़े बहुत उदाहरण दे देते हैं अभी। सभी धातु, कोई भी धातु हो, सोना चांदी तांबा, कोई भी धातु हो, Ag, Au, Cu, कोई सी Pt, सभी धातु जो होती है Na, Pb, सभी धातु क्रिस्टलीय ठोस होती हैं, और जितने भी लवण हैं सभी लवण, लवण जानते हो ना जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, सभी लवण NaCl, KCl, K2SO4, CaCl2, सभी लवण और सभी धातु क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जांपल। अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जांपल रबर, कांच, प्लास्टिक, अधिकांश बहुलक। बहुलक जानते हैं ना, जो बड़े बड़े अणु होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनते हैं। रबर, कांच, प्लास्टिक और अधिकांश बहुलक जो हैं, वो सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, यहां तक के लिए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं
इनको हम अत्यधिक ठंडे द्रव के समान मान सकते हैं, अति शीतित द्रव। जो एक स्थलीय ठोस है इनको हम अति शीतित द्रव कह सकते हैं। अति शीतित, अति मतलब अत्यधिक, शीतित मतलब ठंडे द्रव, इन्हें हम अति शीतित द्रव कह सकते हैं। बात है क्यों, सोचो, अति शीतित द्रव है, अत्यधिक ठंडा द्रव है, मान लो पानी है अत्यधिक ठंडा। अब वो है तो द्रव, उसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि अवयवी कण गतिशील है। अत्यधिक ठंडा द्रव जो होता है उसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती, एपिस्टल या ठोस में भी नहीं होती, दोनों में समानता है। अच्छा, अत्यधिक ठंडा द्रव धीमी गति से बहता है। लड़का कहता है क्यों सा, क्योंकि उसमें अवयवी कणों की उसमें ऊर्जा कम है ना, अत्यधिक ठंडा द्रव है उसमें ऊर्जा कम है तो अवयवी कणों की गतिशीलता कम होगी। तो अत्यधिक ठंडा द्रव जो होता है उसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती और अत्यधिक ठंडा द्रव धीमी गति से बहता है। एक स्थलीय ठोस में भी अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती, ये भी धीमी गति से बहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, कभी पुराने भवन इमारत में जाना, वहां खिड़कियों में जो कांच लगे हुए हैं वो नीचे से मोटे होते हैं। नीचे से मोटे क्यों गए, क्योंकि कांच के जो कण है वो बह बह करके नीचे आते हैं धीरे धीरे, जिससे कांच नीचे से मोटा हो जाता है, क्योंकि इनमें स्पेस होता है और समय के अनुरूप धीरे धीरे ये जो अवयवी कण है ये व्यवस्थित होते हैं, तो ये नीचे की ओर बहते हैं। तो एकस्थलीय ठोस जो है तुम देख सकते हो वो अति शीतित द्रव से समानता दर्शाता है, दोनों में अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती, दोनों ही धीमी गति से बहते हैं, अतः एकस्थलीय ठोस अति शीतित द्रव के समान है। अर्थात ये एक आभासी ठोस है, झूठे ठोस है, ये दिखने में तो ठोस है पर है ठोस नहीं। तो वास्तविक ठोस कौन है, क्रिस्टलीय ठोस। हम अभी शुरू में ठोस के गुण पढ़ रहे थे, तो वो वास्तविक ठोस पर लागू होते हैं, क्योंकि एकस्थलीय ठोस तो आभासी ठोस हैं, झूठे ठोस हैं। क्लियर यहाँ तक, बात को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक आया क्रिस्टलीय व एकस्थलीय ठोसों में अंतर, इनमें अंतर क्या है। तो कुछ अंतर तो हम अभी तक लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, एकस्थलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है। क्लियर, और अंतर लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, एकस्थलीयों में होती नहीं है, और अगर होती है तो लघु परासी होती है। क्लियर, बात को आगे बढ़ाते हैं और अंतर देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय व एकस्थलीय ठोसों में अंतर। इस साल एग्जाम में भी आया था ठोसों में अंतर। अंतर देखते हैं। नंबर एक, गलनांक के आधार पर। पहला अंतर किसके आधार पर, गलनांक के आधार पर। सुनो भाई, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जैसे मान लो इसका गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस है, मैं इसको गर्म करूं तो 499.9 डिग्री सेल्सियस ताप तक तो ये ठोस ही रहेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ करके 500 डिग्री सेल्सियस होगा ये पिघल जाएगा। तो इसका गलनांक क्या हुआ, निश्चित हुआ। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक निश्चित फिक्स होते हैं, जबकि एकस्थलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। जैसे मैं इस रबर को पिघलाऊं, रबर को गर्म करूं तो ये धीरे धीरे नरम होना स्टार्ट हो जाएगा, नरम मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे नरम होता हुआ ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, एक निश्चित ताप पर नहीं पिघलता। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि एकस्थलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। एक अंतर हो गया गलनांक के आधार। और अंतर देखते हैं नंबर दो, शीतलन वक्र के आधार पर। शीतलन वक्र के आधार पर, हाँ भाई, तो हम दूसरा अंतर पढ़ते हैं शीतलन वक्र के आधार पर।
देखो नाम से अर्थ निकालो, शीतलन मतलब ठंडा और वक्र मतलब ग्राफ। तो ठंडे से रिलेटेड कोई ग्राफ बनाना है और शीतलन वक्र के आधार पर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देखते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं चलो क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, उसके लिए शीतलन वक्र बनाते हैं। वक्र बनाने के लिए दो अक्ष ले ली, दो अक्ष तो चाहिए। इस अक्ष पर मान लेते हैं हम ताप ले लेते हैं, ताप डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और इस अक्ष पर हमने ले लिया समय, और समय है जो किसमें है, मिनट में। वक्र की तैयारी कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस के लिए, शीतलन वक्र, ताप और समय, सही है। ये मान लो मूल बिंदु जीरो, यहाँ पर ताप, समय 20 मिनट, यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ 80। यहाँ ताप 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ 80। तो वक्र की पूरी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो हम वक्र बनाते हैं शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोस के लिए। ये क्रिस्टलीय ठोस ले लिया मान लो मैंने, क्लियर। इसको पिघला गर्म करते हैं, चलो ये पिघल गया 50 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब इसका गलनांक कितना है 50। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, इसका गलनांक 50 है, ये 50 पर मान लो पिघल गया। मैंने फिर और गर्म किया और इसका टेम्परेचर बढ़ा करके मैंने मान लो 80 कर दिया। 80 पर ये लिक्विड फेज में है, द्रव अवस्था में है, क्योंकि 50 पर पिघल गया। इस कार्य में मान लो मेरे 20 मिनट खर्च हो चुके हैं, तो मैं यह बिंदु लगा देता हूँ, क्लियर। 20 मिनट खर्च हो चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस पिघला हुआ है और इसका टेम्परेचर कितना है 80 है। अब मैंने क्या किया, ताप कम, गैस बंद, टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा जब भी तो शीतलन वक्र बनेगा। टेम्परेचर घट रहा है उसका, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 उसका टेम्परेचर मान लो हो गया 50। और अब तक कुल कितना समय खर्च हो चुका है, 20 और 20 40, 40 मिनट खर्च हो चुके हैं, टेम्परेचर उसका 50 हो चुका है। एक बात ध्यान दे तुम्हें, ये क्रिस्टलीय ठोस कितने टेम्परेचर पर पिघला था, 50 पर। तो बेटा ये 50 पर ही वापस जमेगा, क्यों, क्योंकि गलनांक और क्वथनांक तो एक ही ताप होता है। जैसे किसी ठोस का गलनांक 50 है तो उसकी द्रव अवस्था 50 पर ही वापस जमेगी, तो उसका हिमांक भी 50 ही होगा। जब ये क्रिस्टलीय ठोस 50 पर पिघला था तो 50 पर ही जमेगा, और जब ये जमेगा तब उसका ताप स्थिर रहेगा, मतलब उसके ताप में कमी आती क्या हो जाएगी, बंद। देखा, ताप स्थिर हो चुका है। जब तक ताप स्थिर कब तक रहेगा, जब तक पूरा क्रिस्टलीय ठोस नहीं जम जाएगा, उसके बाद वापस उसके ताप में कमी आना प्रारंभ हो जाएगी और उसका ताप उतना हो जाएगा जितना वातावरण का टेम्परेचर है। तो इस तरह का हमको एक शीतलन वक्र मिला। अब मैं एक बात पूछता हूं, ये शीतलन वक्र जो मिला है स्टूडेंट्स, ये सतत है, कंटिन्यू है या असतत है? लड़के ने कहा ये ग्राफ जो मिला है ये असतत है। मैंने क्यों, क्योंकि असतत मतलब जो लगातार नहीं हो, क्योंकि इस वक्र में ताप स्थिर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस पर। जब ताप स्थिर हो गया, वक्र में दो ही चीज थी, ताप और समय, समय कभी रुकता नहीं है, ताप स्थिर हो गया तो इसका मतलब वक्र कैसा है, असतत। तुमसे कोई पूछ ले क्रिस्टलीय ठोस के लिए शीतलन वक्र कैसा आता है, तो आप आंसर दोगे क्रिस्टलीय ठोस के लिए शीतलन वक्र असतत आता है। कोई पूछे क्यों आता है, तो आंसर दोगे जब पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस का ताप कम करते हैं तो गलनांक वाले ताप पर, गलनांक बिंदु पर उस क्रिस्टलीय ठोस का ताप स्थिर हो जाता है। ताप स्थिर होने से शीतलन वक्र इनका कैसा आता है, असतत आता है, क्लियर। अब यही प्रयोग हम अक्रिस्टलीय ठोस के लिए करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार। मान लो मैं इसी में समझा देता हूं, आपके हमने अक्रिस्टलीय ठोस ले लिया और अक्रिस्टलीय ठोस के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। वही अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया, गर्म किया तो वो धीरे धीरे नरम होता हुआ पिघल गया। मान लो उसका टेम्परेचर भी मैंने कितना कर दिया, 80 कर दिया। इस कार्य में मान लो 20 मिनट खर्च हो गए, बिल्कुल उसी तरह से। अब मैं अक्रिस्टलीय ठोस को, पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा कर रहा हूँ। जब मैं उसको ठंडा करूंगा तो वो धीरे 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 नरम होता हुआ जम जाएगा, उसका ताप घटता चला जाएगा, कहीं भी वक्र इनका रुकेगा नहीं।
तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका शीतलन वक्र सतत आता है, ये धीरे धीरे पिघलाता धीरे धीरे जम जाएगा, कहीं भी ताप रुकेगा नहीं। तो हमको एक अंतर मिल चुका है शीतलन वक्र के आधार पर, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं स्टूडेंट उनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। दो अंतर देखे, अब तीसरा अंतर देखते हैं हम, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों में तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर विषम दैशिकता व सम दैशिकता के आधार पर, विषम दैशिकता व सम दैशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में एक अंतर और देखते हैं, विषम दैशिकता व सम दैशिकता के आधार पर। स्टूडेंट्स जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिकता दर्शाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनो, ढंग से सुनना। कुछ गुण जो होते हैं, कुछ गुण का मतलब है मेरा ऐसे अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, चालकता, ढंग से सुन रहे हो, कठोरता, इनके मान क्रिस्टलीय ठोसों के लिए, दोबारा सुन लो, कुछ गुण जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, यांत्रिक सामर्थ्य, चालकता आदि के मान क्रिस्टलीय ठोसों के लिए अलग-अलग दिशाओं से अलग-अलग मिलते हैं, और यह गुण कहलाता है विषम दैशिकता। दिशा अलग-अलग, गुण के मान अलग-अलग। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए कुछ गुण जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि के मान अलग अलग दिशाओं से अलग अलग मिलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या दर्शाते हैं, विषम दैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान ले एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें दो तरह के अवयवी कण हैं, एक तो ए और एक बी। क्या होगा, ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि अवयवी कण जो है ये तीन अभिमाओं में एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में है। इससे दो अलग अलग दिशाओं से मैं प्रकाश पुंज गुजार रहा हूं, ये मान लो ए बी दिशा, और एक प्रकाश पुंज में किसी अन्य दिशा से गुजारता हूं, मान लो इस तरह से गुजारता हूं, और ये है सीधी दिशा। तो क्रिस्टलीय ठोस से मैंने दो अलग अलग दिशाओं से प्रकाश गुजारा, एक ए बी दिशा से और एक सीधी दिशा से, दोनों दिशाओं में क्या अंतर है। जब मैं ए बी दिशा से देखता हूं, तुम भी देखो ढंग से, तो दोनों ओर अवयवी कण इस दिशा के एकांतर क्रम में है, ए बी ऐसे व्यवस्थित है। जबकि सीढ़ी दिशा से देखो, इसके एक और बी है और एक और ए है, दोनों दिशाओं से आपको अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग दिख रही होगी। ए बी दिशा देखो, इसके दोनों ओर अवयवी कण एकांतर है, ए बी ए बी। सीढ़ी दिशा देखो, इसके एक और बी है और एक और ए है, तो दोनों दिशाओं से मुझे अवयवी कणों की व्यवस्था में अंतर दिखा। और ये गुण जो है ना, कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि, ये अवयवी कणों की व्यवस्था पर डिपेंड करते हैं। जब दोनों दिशाओं से अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग आ रही है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में इन गुणों के मान दोनों दिशाओं से अलग अलग मिलेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या दर्शाते हैं, विषम दैशिकता। अब यही बात हम अक्रिस्टलीय ठोस के लिए सोचते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित होते ही नहीं है, तो आप उसमें अवयवी कण, उसमें आप प्रकाश चाहे किसी भी दिशा से गुजाओ, हर दिशा से अवयवी कणों की व्यवस्था तो ऊटपटांगी तो है, लगभग एक जैसी आएगी। अक्रिस्टलीय ठोस में तो जब अवयवी कणों की व्यवस्था हर दिशा से लगभग समान मिलेगी, तो इनमें कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान भी हर दिशा से लगभग क्या आएंगे, समान, अक्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि इनमें अवयवी कणों की निश्चित नियमित व्यवस्था है ही नहीं ना। इनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था है, तो हर दिशा से अवयवी कणों की व्यवस्था अलग बोलेगी, व्यवस्था अलग बोलेगी, कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता के आदि के मान इनमें अलग बोलेंगे। इनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था है ही नहीं, हर दिशा से अवयवी कणों की व्यवस्था लगभग एक समान, तो कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान इनमें हर दिशा से कैसे बोलेंगे, नहीं
लगभग एक समान। तो विषम दैशिकता कौन दर्शाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और सम दैशिकता कौन दर्शाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। एक छोटा सा अंतर और देख सकते हैं, नंबर चार, विदलन के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये विदलन का गुण दर्शाते हैं। विदलन का मतलब है एक तरह से काटना। जब क्रिस्टलीय ठोस को आप चाकू की तेज धार से काटेंगे, चाकू की तेज धार से, तो ये जो कटे हुए भागों की सतहें मिलेंगी वो बिल्कुल सपाट, बिल्कुल समतल, सपाट, चिकनी आएंगी। इसी प्रकार अगर किसी अक्रिस्टलीय ठोस को आप चाकू की तेज धार से काटते हैं तो कटे हुए भागों की सतहें सपाट नहीं आएंगी। तो ये भी एक छोटा सा अंतर। क्रिस्टलीय ठोस को जब चाकू की तेज धार से काटते हैं तो कटे हुए भागों की सतहें सपाट मिलती हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम चाकू की तेज धार से काटते हैं तो कटे हुए भागों की सतहें सपाट नहीं मिलती हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक क्लियर यहां तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, हमने अंतर देखे। कोई तुमसे पूछ ले पेपर में आ जाए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखो, तो कैसे लिखेंगे? अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो निश्चित व नियमित व्यवस्था है वो दीर्घ परासी होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में होती ही नहीं है, और होती है तो लघु परासी होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके शीतलन वक्र असतत आते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र सतत आते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषम दैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस सम दैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण दर्शाते हैं, अर्थात चाकू की तेज धार से काटने पर कटे हुए भागों की सतहें सपाट मिलती हैं। अक्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये अंतर हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़े ठोस के प्रकार। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस आपको मैंने दो तरह के बताए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। भाई अब हम अक्रिस्टलीय ठोस को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो तो आवासीय ठोस हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार देखो स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस जो है ये चार प्रकार के हैं। क्रिस्टलीय ठोस हेडिंग डाल लेना, नोट्स बना लेना। क्रिस्टलीय ठोस जो है बेटा वो ये चार प्रकार के हैं। नंबर एक आयनिक ठोस, नंबर दो धात्विक ठोस, नंबर तीन सहसंयोजक ठोस, और नंबर चार आणविक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के हैं, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक और आणविक ठोस। यह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? यह वर्गीकरण किया गया है अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर। तुम्हें शुरू में कहा था मैंने, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण के बल होते हैं। तो अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को मैंने चार भागों में बांट दिया, आयनिक, धात्विक, आणविक और सहसंयोजक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस जो होते हैं बेटा वो इनमें अवयवी कण होते हैं धनायन व ऋणायन। मतलब अगर कोई आयनिक ठोस है उसके अंदर देखोगे आप तो उसके अंदर धनायन और ऋणायन भरे हुए होंगे, बहुत सारे धनायन और ऋणायन। धनायन को ऋणायन घेरे होते हैं, ऋणायन को धनायन घेरे होते हैं। क्लियर? और जो धात्विक ठोस होते हैं इनमें धनायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं,
मतलब एक तरह से धनायनों के चार ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसे कह सकता हूँ धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में धनायन वितरित होते हैं। तो इनमें अभिविकर्ण मान सकते हो चाहो तो धनायन में इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजक ठोस जो होते हैं इनमें अभिविकर्ण होते हैं परमाणु एटम, ये परमाणु होते हैं इनमें बहुत सारे। और आण्विक ठोस जो होते हैं इनमें अभिविकर्ण होते हैं अणु। तो आयनिक ठोस में धनायन व ऋणायन होते हैं अभिविकर्ण। धात्विक ठोस में धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए। सहसंयोजक ठोस में अभिविकर्ण परमाणु और आण्विक ठोस में अभिविकर्ण अणु। क्लियर? मैं कुछ पूछता हूं बताना। मैंने लिखा एनिक प्लस, बताओ ये क्या है? धनायन है, ऋणायन है, परमाणु है या अणु है? ये धनायन है, इस पर आवेश है। आवेशित कण क्या कहलाते हैं? आयन। जिन पर प्लस आवेश वो धनायन, जिन पर माइनस आवेश वो ऋणायन। एन ए प्लस धनायन है। और मैं लिखता मान लो सी एल माइनस, ये क्या है? ऋणायन है। क्लियर? मैंने खाली एच लिखा, ये क्या है? परमाणु है, उदासीन। धनायन ऋणायन परमाणु। और मैंने कई परमाणु आपस में जुड़ गए, मान लो दो परमाणु हाइड्रोजन के आपस में जुड़ गए, ये एच टू क्या है? अणु। परमाणु आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं, H2O क्या है? अणु। तीन परमाणु है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये धनायन, ये ऋणायन, ये अणु, और मैं खाली एन खाली सी एन लिख देता, ये क्या होता है? परमाणु। तो तुम समझ सकते हो अगर किसी ठोस में अव्यविकर्ण धनायन और ऋणायन है तो वो आयनिक ठोस है, अव्यविकर्ण धनायन है इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है तो वो धात्विक ठोस है, अगर किसी अव्यविक किसी ठोस में अव्यविकर्ण परमाणु है तो वो सहसंयोजक ठोस है, और किसी ठोस में अव्यविकर्ण अणु है तो वो आण्विक ठोस है। यहाँ तक क्लियर? अब जो आयनिक ठोस है, स्टूडेंट्स बात को ढंग से समझना, आयनिक ठोस जो है, क्लियर कर रहे हो मेरी बात को? आयनिक ठोस जो है, ढंग से समझना एक एक शब्द को, इनमें अव्यविकर्ण धनायन और ऋणायन होते हैं जिनके बीच में वर्गीकरण है या आकर्षण के बलों के आधार पर जिनमें आयनिक बंध होता है। धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण का बंध, आयनिक बंध होता है, ये तो जानते होंगे। धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण का बल होता है जिसे किस नाम से जानते हैं? आयनिक बंध। धात्विक ठोस में धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए जिनके बीच में भी आकर्षण का बंध होगा, धनायन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड है, तो इनके बीच में आकर्षण का बंध होगा। कौन सा बंध होगा स्टूडेंट्स? धात्विक बंध होगा। सहसंयोजक ठोस जो है इनमें अभिविकर्ण परमाणु होते हैं और परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। इनमें बंध मिलेंगे कौन से? सहसंयोजक बंध। देखा होगा तुमने, सुना भी होगा हीरा में कार्बन परमाणु होते हैं और आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। परमाणु के कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं, जुड़ते हैं, जिससे बनता है सहसंयोजक बंध। और आण्विक ठोस में अभिविकर्ण अणु हैं जिनके मध्य में मिलेंगे या तो वैन डेर वाल्स बंध या हाइड्रोजन बंध। अणुओं के बीच में दो तरह के बंध हो सकते हैं, वैन डेर वाल्स बंध हो सकते हैं या हाइड्रोजन बंध हो सकते हैं। अब देखो तुम, ये वर्गीकरण बंधों के आधार पर ही तो है। इन चारों प्रकार के ठोसों में बंध अलग अलग है। आयनिक ठोसों में आयनिक बंध मिलेंगे, धात्विक ठोसों में धात्विक बंध मिलेंगे, सहसंयोजक ठोसों में सहसंयोजक बंध मिलेंगे, और आण्विक ठोसों में वैन डेर वाल्स बंध या हाइड्रोजन बंध मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब बच्चों मैं एक बात और पूछता हूँ, बताओ इन चार ठोसों में से कौन विद्युत का चालक है? मतलब किसमें से करंट फ्लो हो सकता है, किसमें से विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है? एक बात पहले सोचने से पहले मेरी बात समझ लेना। जिस भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन या गतिशील आयन हो वो पदार्थ विद्युत का चालक होता है। दोबारा लाइन सुनना, जिस भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो या गतिशील गतिशील आयन हो वे पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं। बताओ, पूछता हूं आयनिक ठोस विद्युत के चालक है या नहीं है? लड़कों ने जवाब दिया आयनिक ठोस विद्युत के चालक है। मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? तुमने पढ़ा है आयनिक ठोस जो ठोस होते हैं इनमें अव्यविकर्ण गतिशील नहीं होते हैं। आयनिक ठोस में अव्यविकर्ण धनायन और ऋणायन तो हैं,
पर वो गतिशील धनायन थोड़ी हैं, तो ये विद्युत के चालक नहीं हैं। अच्छा, धात्विक ठोस में धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन में फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, तो ये विद्युत के चालक हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। सहसोज ठोस में तो अभिविकर्ण परमाणु है, कोई इनमें गतिशील आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं होंगे। इनमें अभिविकर्ण अणु है, ये भी विद्युत के चालक नहीं होंगे। तो याद रखें, विद्युत के चालक केवल कौन होते हैं? धात्विक ठोस। अच्छा, आयनिक ठोस जो है इनको अगर पिघला दिया जाए, ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में अभिविकर्ण गतिशील हो जाते हैं ना। अगर आपने आयनिक ठोस को पिघलाया तो इनमें जो अभिविकर्ण धनायन और ऋणायन है वो गतिशील हो जाएंगे, और गतिशील आयनों की वजह से ये विद्युत के चालक हो जाएंगे। तो आयनिक ठोस ठोस अवस्था में तो विद्युत के चालक नहीं होते, परंतु गतिशील अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले एग्जाम्पल आयनिक ठोस के, बेटा ध्यान से एक एक एग्जाम्पल को सुनना। आयनिक ठोस के अभी एग्जाम्पल याद रखो, ऐसे याद रख लो, सभी लवण कोई सा भी लवण हो, NaCl, KCl, K2SO4, CaCl2, MgSO4, Na2SO4, सभी लवण आयनिक ठोस होते हैं, मतलब उनमें अभिविकर्ण धनायन और ऋणायन होते हैं। ऐसे याद कर लो, सभी धातु ऑक्साइड समझ गए, धातु और ऑक्सीजन की क्रिया से बनने वाले अभिविकर्ण, जैसे ZnO, ZN धातु है, O, MgO, CaO, Na2O, धातु और ऑक्सीजन मिलकर के जो यौगिक बनाती है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड भी सामान्यतया क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। इनमें भी अभिविकर्ण क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन, Cu2O, FeO, Ni2O, NiO आदि। धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है सभी धातु, धातु चाहे कोई सी हो, NaK, RbCs, Li, समझ गए मेरी बात को, धातु कोई सी भी हो, PbCu, Ag, Au, NaCl, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में धातु हैं सभी, हाइड्रोजन को छोड़ करके, प्रथम वर्ग में क्षार धातु, द्वितीय वर्ग में क्षारीय मृत धातु, हाइड्रोजन धातु नहीं है। धातु कोई सी भी हो, सभी धातु धात्विक ठोस होंगी। सहसंयोजक ठोस के उदाहरण एक बात और सुनो, सहसंयोजक ठोस में अभिविकर्ण परमाणु होते हैं जिनके मध्य सहसंयोजक बंध होते हैं, इनमें एक जाल सा पाया जाता है सहसंयोजक बंधों का, इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। सहसंयोजक ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। भाई इनमें सहसंयोजक बंध है जो कक्षकों के आपस में जुड़ने से बने और उनमें आकर्षण के बंध है, तो इनमें जाल बन जाता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। अत्यधिक कठोर होते हैं। सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, नीचे लिख देता हूँ, हीरा याद रख ले, जिसके उदाहरण है सहसंयोजक ठोस के, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, सिलिकॉन कार्बाइड। देखो हीरा में कारण परमाणु होते हैं, आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, ग्रेफाइट में भी कारण परमाणु होते हैं, आपस में भी सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। लड़के के दिमाग में आया होगा ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, अपवाद है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास, इसलिए ये विद्युत का चालक होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें सिलिकॉन और कार्बन परमाणु होते हैं, आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सभी सहसंयोजक ठोस है, इनमें एल्युमिनियम नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। क्वार्ट्ज सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है जो आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, ये सभी हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, फुलरिन, क्वार्ट्ज आदि, ये सभी सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। अब बचे कौन से ठोस? आण्विक ठोस। चलिए, आण्विक ठोस जो होते हैं इनमें अभिविकर्ण कौन होते हैं? अणु, जिनके मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं? वैन डर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध। क्या आण्विक ठोस जो होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं क्या? नहीं होते। आण्विक ठोस विद्युत के चालक नहीं होते हैं। आण्विक ठोस जो है बेटा, इनको फिर आगे वर्गीकृत कर रहे हैं, ये तीन प्रकार के हैं। आण्विक ठोस तीन प्रकार के हैं।
कौन कौन से हैं तीन प्रकार के? एक तो होते हैं अद्रव्य आण्विक ठोस, एक होते हैं ध्रुवीय आण्विक ठोस, और एक होते हैं हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंध वाले आण्विक ठोस। तो आण्विक ठोस में तीन भागों में बांट दिए, अद्रव्य आण्विक ठोस, ध्रुवीय आण्विक ठोस, हाइड्रोजन बंध वाले आण्विक ठोस। अब बात को सुनना, अणु बेटा इनमें अभिकर्ण अणु होते हैं और अणु दो प्रकार के होते हैं। ऊपर के को मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। तो इनमें अणु दो प्रकार के होते हैं, आण्विक ठोसों में अभिकर्ण अणु होते हैं और इनमें अणु दो प्रकार के, अणु तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय अणु और एक अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु उन्हें बोलते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होता। अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है इसका निर्धारण करता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण से इसका निर्धारण होता है। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है म्यू और इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है क्यू इंटू डी, क्यू है आवेश और डी है डिस्टेंस, आवेश के बीच की दूरी। जैसे दो आवेशित कण हैं, एक तो है ए प्लस और एक है बी माइनस, दोनों का आवेश बराबर है, तो इनके आवेश किसी का भी ले लो और इनके बीच की दूरी का गुणनफल कर दो, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण हो गया आवेश और दूरी का गुणनफल। अगर किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है तो वो अणु ध्रुवीय अणु होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, जीरो है, तो वो अध्रुवीय अणु होगा। जैसे मैंने अणु लिखा H2Br2, ये अणु लिखे Cl2, इनका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो है, तो ये अध्रुवीय अणु है। द्विध्रुव आघूर्ण इनका जीरो क्यों है? कारण क्योंकि इनमें देखो दोनों परमाणु समान है, दोनों परमाणु समान होने के कारण दोनों की विद्युत ऋणता समान होगी। अब विद्युत ऋणता समान होगी तो किसी पर भी कोई आवेश नहीं होगा। विद्युत ऋणता होती है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण। जब दोनों की विद्युत ऋणता समान है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को कोई आकर्षित नहीं कर सकता, किसी पर भी कोई आवेश नहीं होगा, आवेश जीरो, द्विध्रुव आघूर्ण जीरो। ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण जीरो है। क्या H2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जीरो है? नहीं, H2 अणु ऐसा होता है V शेप, और H दोनों अलग अलग परमाणु हैं, O के विद्रंता अधिक है, इस पर कोई आवेश होगा तो एक द्विध्रुव आघूर्ण तो यहाँ इनके बीच में आ जाएगा, आवेश और दूसरी दूरी, इसमें दो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे और कोई ना कोई परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, ये द्विध्रुव आघूर्ण इसका जीरो नहीं है। तो सीधी सी बात है, मैं तो सिंपल वे में कहता हूँ, जिनका अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जीरो वो तो अध्रुवीय अणु, और जिनका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं है वो ध्रुवीय अणु। अध्रुवीय आण्विक ठोस, वापस आ जाते हैं, मैंने आण्विक ठोसों को तीन भागों में बांटा है, ध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध वाले। अध्रुवीय आण्विक ठोस जो होते हैं इनमें द्विध्रुव आघूर्ण, इनमें जीरो आएगा, इनमें अव्यवी कण होते हैं अध्रुवीय अणु। कौन से अणुओं से बने होते हैं ये? अध्रुवीय अणुओं से। अणु तो होंगे पर अध्रुवीय अणु होंगे, और अध्रुवीय अणुओं के बीच में कौन सा वांडरवाल बंध मिलता है? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध। ध्यान रखना अध्रुवीय अणु होते हैं इनमें, और अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो वांडरवाल, अरे अणुओं के बीच में वांडरवाल बंध होगा ना, जो वांडरवाल बंध होगा वो कौन सा होगा? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। ध्रुवीय अणु होंगे इनमें, ध्रुवीय आण्विक ठोस में, और जिनके बंध, उल्टा बोल दिया भाई मैंने, सही बोला है, ध्रुवीय अणु ध्रुवीय आण्विक ठोसों में अभिविकर्ण होंगे ध्रुवीय अणु, और जिनके मध्य होगा द्विध्रुव, द्विध्रुव वांडरवाल बंध, द्विध्रुव, द्विध्रुव वांडरवाल। याद कर लो भाई, ध्रुवीय आण्विक ठोस इनमें अव्यवीकरण कौन? अध्रुवीय अणु, जिनके मध्य बंध कौन? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध। ध्रुवीय आण्विक ठोस इनमें अव्यवीकरण कौन? ध्रुवीय अणु, जिनके मध्य बंध कौन? द्विध्रुव, द्विध्रुव वांडरवाल बंध। और हाइड्रोजन बंध वाले आण्विक ठोसों में भी अव्यवीकरण ध्रुवीय अणु होंगे, पर जिनके मध्य में बंध होंगे यही, जिनमें बंध होंगे हाइड्रोजन बंध होंगे। तीनों चीजों को याद करो, अध्रुवीय आण्विक ठोसों में अव्यवीकरण कौन होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं,
जिनके मध्य बंध कौन होते हैं? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव बंटवाल बंध। ध्रुवीय आण्विक ठोसों में अभिविकर्ण कौन होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। जिनके मध्य बंध कौन से होते हैं? द्विध्रुव, द्विध्रुव बंटवाल बंध। हाइड्रोजन बंध वाले आण्विक ठोसों में अभिविकर्ण ध्रुवीय अणु ही, और बंध कौन से? हाइड्रोजन बंध। अब एग्जाम्पल पर आओ। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले ध्रुवीय आण्विक ठोस के ऊपर लिख रहा हूं। ध्रुवीय आण्विक ठोस के एग्जाम्पल है, ध्रुवीय आण्विक ठोस के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ठोस अवस्था में। ठोस हाइड्रोजन ले ली मतलब मैंने, तो उसमें अभिकर्ण एस टू अणु होंगे, वो ध्रुवीय अणु है। क्लोरीन ठोस अवस्था में, एन टू गैस ठोस अवस्था में, सही है, एन टू गैस में एन टू अणु होंगे ना, ध्रुवीय अणु है। क्लियर है बात भाई? एच टू गैस है उसमें एच ठोस अवस्था में अणु एच टू अणु होंगे, जिनके बीच में बंध कौन से मिलेंगे? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव बंध वाले। अच्छा, सी एच फोर ठोस अवस्था में, मैथेन गैस में इसका एग्जाम्पल है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी जीरो होता है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जीरो आता है, इसमें चार द्विध्रुव आघूर्ण है जिनका परिणामी जीरो आता है। तो सी सी एल फोर भी ठोस अवस्था में, याद कर ले एक एक एग्जाम्पल को, ये भी ध्रुवीय आण्विक ठोस है, क्योंकि इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण जीरो आता है। CCl4 ठोस अवस्था में है, तो इसके अंतर्गत CCl4 अणु होंगे जिनका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होगा। बेंजीन C6H6, इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी जीरो होता है, इसलिए बेंजीन भी ठोस अवस्था में ध्रुवीय आण्विक ठोस होगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो उत्कृष्ट गैस ऑर्गन नियोन आदि। उत्कृष्ट गैस में लड़का कहता है इनमें अभिकर्ण परमाणु है, मैं इनके बिल्कुल सही ऑर्गन में अभिकर्ण परमाणु है, पर वर्गीकरण तो बंधों के आधार पर है, इनके बीच में भी, क्योंकि इन पर कोई आवेश तो है ही नहीं, तो इनके बीच में भी यही बंध माना जाता है, कौन सा? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव बंटवाल बंध। तो उत्कृष्ट गैस भी ठोस अवस्था में ध्रुवीय आण्विक ठोस है, एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। अब बात आई ध्रुवीय आण्विक ठोसों की, इसके एग्जाम्पल है जैसे मैंने लिखा एच सी एल ठोस अवस्था में। अब एच सी एल ठोस अवस्था में है तो इसके अंदर एच सी एल अणु होंगे और आपस में ध्रुवीय अणु है ना, परमाणु समान है ही नहीं। सी एल पर आंशिक ऋणावेश होगा, इसके विद्रुमता अधिक, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, तो बीच में बंद होगा आकर्षण का, द्विध्रुव, द्विध्रुव वैन डेर वाल्स बंद, एच सी एल अणु होंगे ना इसमें। क्लियर है ना? SO2 गैस ठोस अवस्था में, SO2 का द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होता है, क्लियर, क्योंकि ये वी शेप है, दो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे, परिणामी कुछ ना कुछ होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा, तो SO2 भी ठोस अवस्था में। क्लियर मेरी बात है? अब आए लास्ट हाइड्रोजन बंध वाले, इनमें भी अभिकर्ण ध्रुवीय अणु होंगे, जैसे H2O इसका एग्जाम्पल है, ठोस अवस्था में बर्फ मतलब, H2O अभिकर्ण H2O है, ध्रुवीय अणु है। अब ध्रुवीय अणु है पर इनके बीच में बंद ये नहीं होगा द्विध्रुव, द्विध्रुव सोचते हैं कि ध्रुवीय अणुओं के बीच में द्विध्रुव, द्विध्रुव वैन डेर वाल्स बंध होगा, बेटा ध्रुवीय अणुओं के बीच में तो हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है, पर कंडीशन है, अगर कोई ऐसा ध्रुवीय अणु है जिसमें हाइड्रोजन ओ एफ या एन से जुड़ रहा हो, ओ एफ या एन से जुड़ रहा हो, यदि कोई ऐसा ध्रुवीय अणु है जिसमें हाइड्रोजन एफ ओ या एन से जुड़ रहा, फोन से जुड़ रहा हो, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के साथ जो आकर्षण का बंध बनाता है उसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यदि ठोस में ऐसे अणु हैं, ध्रुवीय अणु हैं, ऐसे ध्रुवीय अणु हैं जिनमें हाइड्रोजन फोन से जुड़ रहा है, तो उस अणु में हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे, वो हाइड्रोजन बंध वाला अणु ठोस होगा, जैसे एच टू हुआ, एनएच थ्री, एनएच थ्री में हाइड्रोजन एन से जुड़ रहे हैं, वही बात है, तो इसमें भी कौन से बंध मिलेंगे? हाइड्रोजन बंध मिलेंगे, NH3 ठोस अवस्था में होगी। तो क्लियर, मैंने लिखा HF ठोस अवस्था में, तो HF में भी हाइड्रोजन F से जुड़ रहा है, ये ध्रुवीय अणु है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, तो ये सब हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर? तो ये काफी बड़ा वर्गीकरण, ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर होने चाहिए, इनको लिख करके याद करो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे दोबारा।